राव साहब ने खुद मेरे मुंह पे अपना जुर्म कबूल किया। क्या बकवास कर रही है? तो इतनी घटिया हरकत मैं क्यों करूंगा और करके तुझे बताऊंगा? झूठ बोलने की भी हद होती है। अरे कोई दुकान नहीं चलाई। कमाल है राव साहब, मुझे तो लगा था आप में बड़ी हिम्मत है कि आपने खुद जो किया है उसे कबूल किया है, लेकिन आप तो बुजदिल निकले। सभी जबान संभाल के, तुम राव साहब से ऐसे बदतमीजी नहीं करोगी? बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, आप सबको बता रही हूँ कि अपना इंसाफ लेके रहूंगी मैं। और वैसे भी राव साहब, आपके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, तो बाकी कार्रवाई हम पुलिस स्टेशन ही करें। अच्छा, सबूत? कोई सबूत है आपके पास इंस्पेक्टर? अरे राव साहब, कैसी बात कर रहे? गिरफ्तारी तो शक के आधार पर भी हो सकती है, और वैसे भी कानून की क्लासेस जो है वो पुलिस स्टेशन में करें तो बेहतर है। क्यों इंदर? क्यों नहीं है? मैं आपको इन्हें यहां से ले जाने नहीं दूंगा। क्या चाहते क्या हो तुम? MD के साथ साथ डायरेक्टर को भी ले लो। चला तू भी पढ़, चला गिरफ्तार करो इसे भी। रुक जाइए, आप ऐसा नहीं कर सकते। कैसा लगा है यार? पिकनिक पर लेके जा रहा हूँ यार सबको, पुलिस स्टेशन लेके जा रहा हूँ। अभी तो हथकड़ियां भी नहीं अपने पास, कितनों को गिरफ्तार करेंगे? याला पढ़ के चल। इंस्पेक्टर साहब, आपको इतनी तकलीफ में लेने ही नहीं दूंगा। हमारे लॉयर आ रहे हैं, आप उनसे बात कीजिए। इन हथकड़ियों की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वकील साहब, आप राव साहब को अरेस्ट नहीं कर सकते। ये लीजिए उनके एंटीसिपेटरी बेल के पेपर्स। बिना सबूत के आप किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकते, और इतना कानून तो जानते होंगे आप कि जब तक जुर्म साबित नहीं होता इंसान बेकसूर होता है। सुन लिया ना आपने इंस्पेक्टर साहब, बिना पुख्ता सबूत के आप किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकते। वैसे नाम क्या बताया आपका? वो अवर पाटिल, याद रखेंगे। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।